रूस यूक्रेन युद्ध में तबाही की रोज नई इबारतें लिखी जा रही हैं। लगातार हार से हताश यूक्रेन के लिए हर दिन बुरी खबर सामने आ रही है। हथियारों की कमी से जूझ रहा यूक्रेन लगातार अपने इलाके कबाता जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति की ही नहीं बल्कि कमांडर इन चीफ के चेहरे पर भी चिंता साफ झलकने लगी है। अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि जिस तेजी से रूस ने जवाबी हमला करना शुरू किया है, जल्द ही वो राजधानी कीव पर कब्जा जमा सकता है। हाल ही में रूस ने उग्र हमले कर यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा जमाया था। अब दावा किया जा रहा है कि रूस ने फिर से यूक्रेन को मिले पश्चिमी हथियारों को तबाह कर ज़ेलेंस्की की सेना को बड़ा झटका देते हुए निहत्था बना दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन की ओर से लॉन्च अमेरिका के 6 सामरिक मिसाइलों को रूसी सेना ने मार गिराया है। क्रीमिया में अधिकारियों ने कहा कि कुछ को काला सागर के ऊपर नष्ट किया गया। दरअसल यूक्रेन पिछले कई महीनों से अपने सहयोगी देशों से अधिक शक्तिशाली हथियारों की मांग कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सेनाएं आगे बढ़ती रूसी सेनाओं के सामने जूझती दिख रही है। पश्चिमी देशों पर बढ़ते दबाव के बीच अमेरिका ने बीते हफ्ते खुलासा किया था कि उसने फरवरी में सीक्रेट तरीके से यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी एटकम्स मिसाइलें भेजी थी। हालांकि अब रूस ने घोषणा की है कि उसके जांबाज सैनिकों ने पिछले 24 घंटों में 6 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम रॉकेटों को नष्ट किया है। हालांकि रूस ने यह नहीं बताया कि उन्होंने कहां इन मिसाइलों को मार गिराया है, मगर क्रीमिया के प्रमुख सर्गेई एक्सियोनोव ने कहा कि एक मिसाइल को सिम्फ्लोरोपोल के मुख्य शहर के पास डेस्कॉय गांव में गिराया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी सेना ने 10 यूक्रेनी मानव रहित हवाई वाहन, अमेरिका के 6 एटकम्स सामरिक मिसाइलें और फ्रांस के 2 गाइडेड हैमर विमान बमों को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त किया है। यूक्रेन ने हालिया हमलों पर रूसी नेता लियोनिद युरलेव ने कहा कि यूक्रेन ने 12 एटकम्स मिसाइलों का इस्तेमाल कर क्रीमिया में एयरपोर्ट पर हमले किए, जिन्हें रूसी सेना ने करार जवाब देते हुए नष्ट किया था। साथ ही उन्होंने इस ओर भी इशारा किया कि अगले हफ्ते राष्ट्रपति पुतिन के नए ऑफिस के उद्घाटन से पहले यूक्रेन की ओर से ऐसे हमले बढ़ सकते हैं। गौरतलब है कि पेंटागन के एक प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी स्पूतनिक को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चोरी छिपे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को सुरक्षा सहायता पैकेज के हिस्से के रूप में यूक्रेन को एटकम्स देने का निर्देश दिया था। दावा किया गया कि यूक्रेन की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अमेरिका को एटकम्स डिलीवरी को टॉप सीक्रेट रखा था। हालांकि बीते हफ्ते ही खुद अमेरिका ने इस बात का खुलासा भी किया। बहरहाल ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी रूसी सेना ने कई पश्चिमी हथियारों को यूक्रेनी सरजमी पर मार गिराने का दावा किया है। इतना ही नहीं, मॉस्को ने यूक्रेन को पश्चिमी हथियारों की डिलीवरी के खिलाफ लगातार चेतावनी भी दी है। रूस ने जोर दिया कि पश्चिमी देश और नेटो सिर्फ यूक्रेन संघर्ष को लंबा खींचते हैं और ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन में मौत की वजह बनते हैं।